चिलचिलाती धूप और तपती गर्मी में जहां प्रशासन जनता के लिए जलापूर्ति करने में लगे हैं, तो वहीं बालोद जिले में पंचायत सरपंच की तुगलकी फरमान ने मोहल्ले वासियों को गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल बालोद जिले के डोंडी विकासखंड क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत चिखली के महिला सरपंच ने आवास पारा के घरों में जिससे बोर से पेयजल के पानी सप्लाई होता था, उस बोर की बिजली सप्लाई कटवाकर वायर व बोर्ड ही निकलवा दिए, जिसके बाद से लगभग 25 घरों वाले आवास पारा के लोग एकमात्र हैंडपंप के गंदे पानी पीने को मजबूर है। मोहल्ले वासियों की माने तो इस मोहल्ले में पहले 2 हैंडपंप हुआ करता था, जिसमें एक हैंडपंप में पंचायत ने मोटर फिटिंग करवाकर घरों पर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की थी, लेकिन कुछ दिन पूर्व ही पंचायत के सरपंच ने मनमानी करते हुए बोर में लगे बिजली को ही निकलवा दिया। एक हफ्ता हो गया हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या है, बोरिंग में भी गंदा पानी निकलता है। पहले हम लोग बोर के पानी पी रहे थे, तो सरपंच लोग हमारे बोर का वो जो कनेक्शन होता है उसको पूरा उखाड़ के ले गए, तो हम घर घर पानी के लिए जाते हैं। कुआं बोरिंग में भी गंदा पानी निकलता है। पैसे वो लोग बोल रहे हैं कि पैसे वैसे नहीं देते ऐसे करके। तो नाम बता, क्या नाम? कुमारी कामनी। कहाँ पानी पीबो, का कहते यहीं के पी ले था, कोई दिन कुआ के पी था, का कहते पानी से नहीं है तो कहाँ पानी पीबो, और ले गए वो खार के तो का करबो, वो करा के हेला नल ये कर दी तो बंद कर दी कार दी सब घर के हेला कौन इनका डर लगी तो लोई जान ही सरपंच जान ही। सबसे शुरू में हमारे मोहल्ले में क्या बोलते हैं पानी की समस्या बहुत थी, तो जैसे जिसके घर कुआं था वो कुएं का पानी पीते थे, और जिसके घर बोर था वो बोर का पीता था, बाकी जिसके घर नहीं था वो लोग हैंडपम्प से लेते थे पानी। दो जगह हैंडपम्प दिए थे तो दोनों जगह से, और किसी के घर जैसे हैंडपम्प खराब हो जाता था जाते थे तो हमारे घर का कुआं का पानी अट रहा है, तो हमारे घर का कुआं का पानी नहीं है, परेशानी है, हम लोग नहीं देंगे कुएं का पानी बोलते थे, फिर भी जाते थे, क्या करेंगे जब पानी की जरूरत है तो जाना छे। फिर हैंडपंप को बनाते थे, और एक हैंडपंप से क्या बोलते हैं बोर लगाया तो बोर का क्या बोलते कनेक्शन दिया घर घर, तो वो भी कनेक्शन उखाड़ के ले गया, तो अब पानी का परेशानी हो गया। यहाँ का जंग लगा, इसमें पाउडर भी डालना चाहिए ना, पाउडर और कुछ भी डालना चाहिए तभी तो पानी पी सकेंगे, भी लोहा लोहा महकता है। तो ये तो मेरे को नहीं मालूम, हम लोग तो नहीं थे जब वो मशीन को ले गए उखाड़ के वहाँ से, तो ये हफ्ता दिन हो गया, अब हफ्ता दिन से ज्यादा ही हो जाएगा समझ जाओ। हम तो यही का पीते हैं, सब लोग कुएं से लाते हैं, मैं नहीं लाती, यहीं से ले जाती हूँ। गंदा पानी रहा चाहे कुछ भी रहा, क्या करूँ, यही से ले जाती हूँ मैं। वही पंचायत सरपंच कहती है कि 3 सालों से मोहल्ले वासी बिल नहीं पटा रहे हैं, कुकिंग की बिजली से बोर चल रहा था, मीटर लगाने पंचायत में प्रस्ताव करने के बाद मोहल्ले वासियों को मीटर के लिए पैसा जमा करने कई बार मुनादी कराई गई, लेकिन मोहल्ले वासी किसी तरह ध्यान नहीं देते, पैसा नहीं देते तो आधार कार्ड ही जमा कर दें ताकि उनकी बिजली हुकिंग से चालू कर दी जाए। वो ऐसे हुई सर, क्या कहते मैंने 3 साल हो गए बिल नहीं पटाए, अब हे हुक से चला थे, मीटर नहीं है वहाँ, तो मीटर के पछताव हो गए, तब मैं से कहूँ 3 साल हो गए और जमा नहीं करो, तो पैसा जमा करो तो हम मीटर लग ही से कह गए वहाँ, तो वो मन ना एक ठन शिकायत करे बा, उसने करे सारो मन एक ठन मैंने नल लकार दे है ऐसे कही ना, वो मन आए वो 3 दिन हो बंद देते हैं, तो वो नल हुक ल जोड़ी तो हम चालू हो जाए सारो, तो हाँ नोटिस दे है ना मना, और 5 बार हाँ का बुनियादी करवा सरकारी को तो संगीत आई ला नोटिस मैंने हाँ का पार्थे वहाँ बुनियादी करते नोटिस दिए हाँ, ए बिल पटाओ, आधार कार्ड जमा करो, नहीं नहीं बोर्ड तो आप वही में रखे, वो मैंने प्राइवेट लगा है बोर्ड ला, और पंचायत मोटर ला खुद आ है, और ना वो हेरा स्टार्टर लाना चालू करेगा खुद अपन लगा है, अब लाइन ला काटे सारी स्टार्टर ला कोई लग जाए कि ना अपन में रखे होला। कब तक पानी मिल जाएगा? वो तो कल शाम के तो मिस्त्री बन तो डोंडी मिस्त्री काम करते, नहीं नहीं हमन चार्ज पटाए भी ना चालू कर नहीं, वो हमन तो कहा था आधार कार्ड लग लग लाख जमा कर दे, भले पैसा मत पटा मत पटा, हमन मीटर नहीं लगान, आधार बस जमा कर दे, हम चालू करबो इसी के, हाँ बस चोरी से चलते मन वहाँ। अभी किससे चालू करेंगे? अभी क्या कहते हम फिट कर दे बनोला, हुक से चलाते रही सर, वो तो चोरी से चला थे ना, 3 साल हो गए चोरी से चला थे। वही मामले में नायब तहसीलदार का कहना है कि जो भी दोषी होगा इस पर जांच की कार्रवाई की जाएगी, एसडीएम साहब द्वारा जनपद सीओ को जांच अधिकारी बनाया गया है, आज या कल में बिजली सप्लाई जोड़कर पुनः मोहल्ले वासियों को जल आपूर्ति कराई जाएगी। जी अभी हमको ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 25 घर के परिवारों को अभी नल की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, पंचायत द्वारा वहाँ नल कनेक्शन काटा गया है, जिसके संबंध में संज्ञान में लेते हुए एसडीएम महोदय द्वारा जिला
जनपद सीओ को इसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और जांच के बाद जो भी दोषी होंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। ये जहां तक है आज शाम तक नहीं तो कल तक पूरा पानी व्यवस्था हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।